अभी तक जब से मैं क्रेन चला रहा हूँ अभी तक मैंने कई सारे लोग को बोला कि आप क्रेन पे आओ, तो बहुत सारे लोग क्रेन पे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक तरीके की बताया जाता है कि एक फोबिया है जिसे हेमोफोबिया बोलते हैं। वो एक ऐसी फोबिया रहती है कि लोगों को डर बहुत ज्यादा लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे कि मैं देखने के मिल रहा हूँ आपको क्रेन के केबिन में, और इस केबिन से ही मैंने शुरुआत की थी हेल्पर इतर के। लेकिन आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ क्या ये क्रेन आप सभी के लायक है या फिर नहीं। अगर आपका मेडिकल इश्यूज है तो आपका सिलेक्शन तो हालांकि हो जाएगा, लेकिन इश्यूज रहेगा तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ऐसे कामों में ना आओ। तो इसकी सारी बातें मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो पे आज तक जरूर से देखिएगा, वीडियो पे लाइक जरूर से दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं क्रेन से रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूँ जिससे कि आपको मदद मिले कि आप करना क्या चाहते हो इन लाइनों में। तो मैं इस बारे में आपको सभी तरीके से सजेस्ट करूंगा और ध्यान से सुनना। अगर ये अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये लाइन आपके लिए नहीं बना है, यानी कि आप क्रेन नहीं चला सकते। तो मैं वो टावर क्रेन में, ये मेरा केबिन है, और कितना रिक्स रहता है उस बारे में शेयर करेंगे। रिक्स कैसे बचा सकता है, मतलब बचा जा सकता है, उस बारे में शेयर करेंगे, ताकि आपको डर ना लगे, प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे खासे पैसे कमा सको। तो हम चलिए इसकी रियलिटी आपको सही तरीके से समझाते हैं, क्योंकि भाई जहाँ बेटर रिजम पर, तो हम आपको जहाँ पे बैठ के हमेशा समझाते हैं वही समझाएंगे। तो पढ़ो से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बात करते हैं। तो गाइस मैं आप सभी को सही तरीके से समझाऊंगा और ध्यान से सुनना, स्केप करके जाओगे प्रॉब्लम होगी तो बाद में मुझे मत कहना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो देखिए रियलिटी कुछ ऐसा है कि अगर आप क्रेन सीखना चाहते हो बेशक सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको मेडिकल इश्यूज है तो पहले आप समझ लो कि आपको सीखना है फिर या नहीं। तो सबसे पहली चीज, अभी तक जब से मैं क्रेन चला रहा हूँ अभी तक मैंने कई सारे लोग को बोला कि आप क्रेन पे आओ, तो बहुत सारे लोग क्रेन पे नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एक तरीके की बताया जाता है कि एक फोबिया है जिसे हेमोफोबिया बोलते हैं, और भी तरह के कई सारे प्रकार के फोबिया रहते हैं। वो एक ऐसी फोबिया रहती है कि लोगों को डर बहुत ज्यादा लगता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पानी में नहीं नहा सकते हैं। ये फोबिया ऐसा है कि अगर आप चाहो तो क्रेन पे आओगे ना तो आपको नीचे देखने से ही डर लग जाएगा। कुछ लोगों को होता क्या है कि वो हाइट से ही डर लगते हैं। तो इस तरीके की जो फोबिया वाले लोग होते हैं ना, वो इन लाइन में नहीं आ सकते, अभी से मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप इन लाइनों में आते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तरीके समझते हो और बहुत हाइट हाइट पे काम थोड़ी थोड़ी, मतलब कैसा होता है कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे धीरे धीरे आप देखोगे समझोगे तब समझ में आएगा। लेकिन अगर अचानक से आओगे, डायरेक्ट चढ़ने की कोशिश करोगे, तो इसमें आपका रिक्स बन सकता है, हो सकता है आप गिर जाओ, आपको नुकसान हो जाए। तो ये आप समझ लो। अब बात करते हैं मेडिकल इश्यूज के बारे में। जैसे कि आप कभी भी किसी भी तरीके की किसी बीमारी से परेशान हो और आप सोच रहे हो कि इन लाइनों में आए, तो इन लाइन आपको लिए नहीं बनाए। इसलिए आपको पेशाब करने के लिए दिक्कत हो सकता है, पट्टी करने के लिए दिक्कत हो सकता है। अगर दवाई वगैरह लेके आते हो तो यहाँ पे पानी वगैरह मिल जाएगा, आप नीचे से उठा के ले सकते हो। लेकिन ज्यादा बीमार, कुछ अलग तरीके की बीमारी चल रही है, तो भाई ये चीजें आपके लिए नहीं बनी है, ये आपके रिक्स बन सकते हैं। हालांकि चलो आपने सीख लिया, काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ी बहुत बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, वो आप झेल पाओगे यानी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये समझ लेते हैं कि क्या ये क्रेन सभी के लिए अनुमति देवल है, मतलब हर कोई क्या चला सकता है। तो बेशक हर कोई चला सकता है, वो जो फिट हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं अब जमीन से 100 मीटर हाइट पे हूँ, जमीन जो होता है ना, धरती से 100 मीटर हाइट पे काम कर रहा हूँ, मैं कहीं भी देख लूँ क्रेन का लास्ट छेड़े में चला जाऊं तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी से अंदर से घबराहट लगती, थोड़ी यानी कि 10-20% थोड़ी सी घबराहट होती है, क्योंकि भाई तो अंत में जाने के बाद वो हिलने लगता है। मुझे इतना ट्रस्ट है कि भाई क्रेन पे कुछ नहीं होने वाला मुझे। लेकिन इसमें और भी कई तरीके की रिस्क है, उसके बारे में अब समझते हैं।
तो इसमें क्या होता है, ये है टावर पेन। तो कई सारे लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हो, हालांकि कई सारे लोग स्मोकिंग करते हैं अभी तक हमने देखा है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग करते हो क्रेन लाइनों में भी स्मोकिंग अगर शुरू कर देते हो तो ये आपके रिक्स पे बन जाएगा। आप लोग पूछते हो ना कि रिक्स है या नहीं क्रेन लाइनों में, तो आपको अब पता चलेगा कि भाई कितनी रिक्स रहती है। जैसे कि आप क्रेन में आते हो, कुछ उल्टे पुल्टे चीज लेके आते हो, जैसे सिगरेट हो गया, लाइटर हो गया, और जैसे ऑयल वगैरह हो गया उल्टे पुल्टे तरीके की, ये सब अगर लेके आते हो तो भारी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप उल्टे पुल्टे चीज लेके आओगे जिससे कि नुकसान हो सकता है, तो वो चीजें अलाउ नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, फायर एक्सटेंशन जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्रेन में हमेशा होना चाहिए। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्रेन गिरती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, क्रेन 1% भी उम्मीद मत रखो कि ये गिरेगा। गिरता तभी है जब एक लापरवाही होता है। जैसे एक आम व्यक्ति सड़क पे एकदम सीधा स्ट्रेट चला जा रहा है, और वह सीधा चला जा रहा है, अगर पीछे से कोई गाड़ी धक्का मार दे तो एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इसमें भी ठीक वैसा ही है, हम चला रहे हैं, इसमें हम गलती अगर करते हैं, कोई लोड ऐसा फंसा लिए हैं जिसमें कि हम फुल टाइट मार दिए, क्रेन में झटका लगा और उसमें बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। इसीलिए इसमें ध्यान दे के कुछ भी लोड उठाना है तो ध्यान से उठाया जाता है, ना कि एकदम हड़बड़ी में उठा दिए और बहुत बड़ा नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़े। तो इन लाइनों में थोड़ी तसल्ली से काम करना पड़ता है। थोड़ा फिट फाट रहने वाले लोग इन लाइनों में आ सकते हैं। अगर कोई परेशानी से जूझ रहे हैं तो उनके लिए ये नहीं बना है। अगर उन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं तो बेशक मुबारक हो, वो कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है उन चीजों के लेके। अब इसमें एक और बात है कि उनका कहना है लोगों का कि इसमें तमाम तरह के रिक्स के बारे में बताओ। तो मैं आप सभी को बता दूं, क्रेन पहली बात तो गिरने वाला है नहीं। इसमें तमाम तरह के सपोर्ट लगाए जाते हैं, लगभग 2 सपोर्ट लगे रहते हैं, जो कि उसमें बड़े बड़े रड लगाए जाते हैं ताकि क्रेन हिले, और कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो गिरने का जो चांसेस है ना, वो ना के बराबर है। गलतियों के कारण ही होते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होते, और ऐसे देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। हाँ, आग लगते हुए कुछ वीडियोस हमने देखे, बहुत पहले की बात है, आग लगते वगैरह देखा, गिरते हुए कुछ समय देखा है, जो बहुत ज्यादा आवाज चलते बहुत ज्यादा आंधी तूफान चलते, तो आप क्रेन में ना रहो, वो आपके लिए बेस्ट चॉइस है, फर्स्ट चॉइस, बेस्ट चॉइस। तो कभी भी हवा तूफान जरूरत से ज्यादा चलने लगे तो देखकर समझकर आपको उतर जाना है। वैसे रिक्स मतलब बोला जाए तो जीरो है, आपको बस हर चीज सेफ्टी के दायरे में करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप अब तक हमने जो आप सभी को समझाया वो आपको अब तक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो कमेंट में रिप्लाई कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज्यादा कीजिए, जहां तक हो सके वहां तक शेयर कर दीजिए।